हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक राव। आप देख रहे हो ज्ञानरूप। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बनस्थली यूनिवर्सिटी का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है 2024 में, उसके बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। जी हाँ, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करो। हाँ, वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो। क्यों? क्योंकि ऐसे ही हाईली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको डेली मिलने वाला है ज्ञानरूप पे। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं बनस्थली यूनिवर्सिटी का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है BUAT 2024, उसका हाईलाइट्स क्या कुछ रहने वाले हैं। तो बात करें एग्जाम के नेम का, तो बनस्थली यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट इसका पूरा नाम है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बात करें फ्रीक्वेंसी का, तो वंस इन अ ईयर ये कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि साल में एक ही बार कंडक्ट कराया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग फेजेस में कंडक्ट नहीं कराया जाता है। एग्जाम के मोड की बात करूँ तो ऑनलाइन ही रहने वाला है, यानी कि CBT मोड में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि CBT का मतलब ये नहीं होता कि ऑनलाइन हो रहा है तो आप अपने घर से एंट्रेंस एग्जाम दे पाओगे। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम सेंटर जाना होगा, वहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन आपको अपना एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो ये आप ध्यान रखना कि CBT और IBT दो अलग अलग चीज़ें हैं। IBT में आप घर बैठे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। अगर बात करें एंट्रेंस एग्जाम के ड्यूरेशन का, तो 2 आवर्स 30 मिनट का यहाँ पे जो आपको टाइम मिलने वाला है, यानी कि 2.5 घंटे का आपको टोटल टाइम मिलेगा ये एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम के लैंग्वेज की बात करूँ ना, तो यहाँ पे एक ही रहने वाला है। जी हाँ, ध्यान रखो और कान खोल के सुन लो कि यहाँ पे हिंदी में इसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही रहने वाला है। अगर बात करें एडमिशन्स किसको यहाँ पे मिलेगा इस यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे जो है ओनली वुमेन यूनिवर्सिटी है ये। तो आप ध्यान रखो कि बाकी कोई अप्लाई नहीं कर सकते हो। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, वैसे लगभग सभी को ये पता ही होता है। अगर बात करें एप्लीकेशन फॉर्म मोड क्या रहने वाला, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको मिलने वाला है। बेहतर आप ऑनलाइन चूज़ करो, वो ज़्यादा आसान है। अगर बात करें इसका ऑफिशियल वेबसाइट का, तो वनस्थली.org या ORG जो भी आप बोलो, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रखा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाली है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ वनस्थली यूनिवर्सिटी में बीटेक प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्लास 12th साइंस से होना आपका मस्ट है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपके सब्जेक्ट हैं तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, तो मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने ही होने चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको जो है रिलैक्सेशन मिल जाता है। आपको मिनिमम 40% एग्रीगेट मार्क्स अगर आपके क्लास 12th में है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ईयर ऑफ पासिंग की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपका क्लास 12th 2022 में क्लियर हुआ या 2023 में क्लियर हुआ तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बट अगर आपका क्लास 12th का एग्जाम 2024 में क्लियर हो रहा है ना, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ इसको एज अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें एज रिस्ट्रिक्शंस का, तो यहाँ पे एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बात करें कि क्या कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फी लगता है, तो आप किसी भी कैटेगरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपको जो है 800 रुपये का फी जो है लगने वाला है। और विद लेट फी की अगर मैं बात करूँ ना, तो 1700 रुपये लगने वाला। तो बेहतर है कि आप टाइम से अपना फॉर्म जो वो फिल कर दो। और एप्लीकेशन मोड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहने वाला है। अगर आप ऑनलाइन चूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दो, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दो, या ATM कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दो, UPI के थ्रू भी पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि 2024 में बनस्थली यूनिवर्सिटी का जो एप्टीट्यूड टेस्ट रहने वाला ना, उसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ इसका पेपर पैटर्न और सिलेबस रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो एग्ज़ाम मोड की बात करूँ, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि CBT मोड में इसका जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। नंबर ऑफ फेज की बात करूँ, तो एक ही फेज में एंट्रेंस एग्जाम कवर होता है। क्वेश्चन पेपर टाइप की बात करूँ, तो MCQ आपका रहने वाला है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक राइट ऑप्शन आपको पिक करना रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, तो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स की बात करूं, तो 100 मार्क्स के ही रहने वाले, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो 1 मार्क्स कैरी कर रहा होगा। टोटल एग्जाम ड्यूरेशन की बात करूँ, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था 2.5 घंटे का टोटल एग्जाम रहने वाला है। मीडियम जो है इंग्लिश ही रहने वाला, लेकिन सेक्शंस की बात करूँ, तो एग्जामिनेशन में जो पेपर है वो 3 सेक्शंस से आने वाला है। तो पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो मैं आपको पीछे बताया था, तो जो सेक्शन 1 है वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 40 आएगा और ड्यूरेशन जो है 60 मिनट का रहने वाला है। सेक्शन 2 जो है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से, जो भी आपने चूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वहाँ पे आपको जो 40 क्वेश्चन मिलने वाला, 60 मिनट का टाइम रहेगा। और सेक्शन 3 जो लॉजिकल रीजनिंग का रहने वाला ना, इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाला, और इसके लिए जो आपको 30 मिनट का टाइम मिलने वाला है।
अब बात कर लेते कि मार्किंग स्कीम क्या कुछ रहने वाला था। तो जितने भी आंसर आप सही करते हैं ना, पर आंसर आपको एक मार्क्स मिलता है, वहीं पे जितने भी आप आंसर इनकरेक्ट करते हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, उसका 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो 1 मार्क्स आपका जो है यहाँ पे काट लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ऑल इन ऑल कि यहाँ पे जो है निगेटिव मार्किंग अप्लाइड है, तो आपको बहुत ही ध्यान से आपका पेपर देना है। अब बात कर रहे थे कुछ एक बोनस पॉइंट का, और हाँ बात रही सिलेबस का, तो सिलेबस जो है मैं आपको PDF में मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन रह जाए ना, तो बता देना, मैं अगला वीडियो भी उस पर अपलोड कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा सिलेबस जो है ऑलरेडी रेडी है और अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे कुछ एक बोनस पॉइंट मैं बताऊँ इस एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग। तो एक बात ध्यान रखो कि इस एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए, यानी कि पास होने के लिए, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए। यानी कि 100 में से टोटल 50 तो आपका आना ही आना चाहिए, तभी जाकर के आप कंसीडर करे जाओगे कि आप पास हो। और एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है इस एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग कि अलग अलग प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो आपको सेपरेटली अलग अलग फॉर्म जो वो फिल करना पड़ेगा। एक ही फॉर्म में आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे कि आप अलग अलग प्रोग्राम्स टिक करके उसका पेमेंट करके सबमिट कर दो। आपको हर प्रोग्राम के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फी देना होगा और अलग से ही फॉर्म भी आपको फिल करना होगा। और यहाँ पे एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि अगर आप बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपके क्लास 12th में ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए। वहीं पे अगर आप बीटेक बायोटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स होने ही होने चाहिए। बीटेक प्रोग्राम के लिए बायोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि PCM सब्जेक्ट्स आपका होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बायोटेक के लिए आपका बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, तब जब आपके मैथ नहीं है तभी जा करके। इसके अलावा यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। और हाँ, बनस्थल यूनिवर्सिटी पे डिटेल रिव्यू भी आ चुका है बीटेक कोर्स के लिए, तो वीडियो जरूर देखो, आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे क्या कुछ फी लगता है, कैसा प्लेसमेंट होता है, किस तरीके की कंपनीज आती है और खास तौर पे किस तरीके के यहाँ पे स्टूडेंट्स जो वो सेलेक्ट होके आते हैं। तो इससे बहुत हद तक डिपेंड करता है कि 4 साल बाद आपका पर्सनालिटी किस हिसाब से ग्रो करने वाला है इस यूनिवर्सिटी में। तो मिलते हैं अलग वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में।